गाइस कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आइए हम बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड बनाने से पहले हम आप लोग को कहना चाहते हैं कि आज जो है मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाए। इसी तरह से आप लोग अगर सपोर्ट और प्यार दिखाएंगे करेंगे तो हम जो 200 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो आइए हम बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस बोर्ड में जो है 2 5 पिन है, यानी 2 5 पिन है। देख सकते हैं बोर्ड में 2 5 पिन है और 3 स्विच है। 2 5 पिन 3 स्विच है। अब इसको हम वायरिंग करेंगे और इस स्विच से कनेक्शन इस 5 पिन में 5 पिन में देंगे और इस स्विच का कनेक्शन इस 5 पिन में देंगे। और ये जो है लाइट या पंखा जो इसमें लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं। तो आइए हम बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का बोर्ड है, इसको उलटने के बाद इस तरह का आता है। तो स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन से देख सकते हैं, स्विच के 2 कनेक्शन है, देख सकते हैं स्विच के 2 कनेक्शन है। बटन में देख सकते हैं स्विच के 2 कनेक्शन है। तो हमको क्या, स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन से यहाँ से एक तार को हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, स्विच के ऊपर वाले साइड से एक तार को हम बाहर निकालेंगे, जो कि बहुत आसान तरीका से हम आपको बताएंगे। तो ये सबसे पहले हम स्विच के ऊपर वाले साइड से एक तार को बाहर निकाल लेते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कि वीडियो जो है बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है तो आप लोग को ही पता है। तो ये हम तार सेट करते हैं, पहले इसमें वायरिंग करते हैं। तो एक तार को जो है यहाँ घुसा लेते हैं। तार को हम जो है सेट कर लेते हैं। इस तरह से आप अगर इस वीडियो को देख के सीख लेंगे तो आपको जो है आगे कभी भी आपको बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि घरों में जो है अभी सबके घर में जो है बिजली है। तो पहले बटन के ऊपर वाले कनेक्शन से यहाँ देख सकते हैं, बटन के ऊपर वाले कनेक्शन से हम जो एक तार को यहाँ पहले बाहर निकाल लें, एक तार को हम बटन के ऊपर वाले कनेक्शन से एक तार को हम बाहर निकाल लें। उसके बाद जो बटन के नीचे वाले कनेक्शन से इस कनेक्शन में हम तार देंगे 5 पिन के इस वाले साइड से, क्योंकि जैसे ही हम बटन को नीचे करेंगे तो इसका लाइन जो है इसमें आ जाएगा। जैसे हम बटन को ऊपर करेंगे ऑफ हो जाएगा, बटन को नीचे करेंगे लाइन आ जाएगा। तो हम जो है बटन के नीचे वाले कनेक्शन से एक तार को हम उसमें जोड़ देते हैं, इसमें हम 5 पिन में जोड़ लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग, अगर वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ गलती हुआ है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। अगर वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आया तो हमको ज़रूर बताना, हम फिर से आपके लिए दोबारा वीडियो बनाएंगे सही से। देख सकते हैं यहाँ घुसा दिए, उसके बाद जो है इस वाले कनेक्शन से यानी जैसे हम इस बटन को इधर नीचे करेंगे तो इसका लाइन यहाँ आ जाएगा। तो इसको भी जो है हम टाइट कर लेते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम आगे का काम करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं हम जो है इसको भी सेट कर लिए। तो हमको जो है सबसे पहले बटन के ऊपर वाले साइड से एक तार को हम बाहर निकाल लिए, उसके बटन के नीचे वाले साइड से यहाँ से यहाँ हम एक कनेक्शन को जोड़ दिए, फिर इस बटन के नीचे वाले साइड से यहाँ से यहाँ हम एक कनेक्शन को जोड़ दिए। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ से यानी 5 पिन, ये 5 पिन हुआ, इसके इधर वाले साइड से यहाँ से एक तार को हम बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं एक तो नहीं, हम 2 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक कनेक्शन हमको लेना है। इसके लिए हम जो है यहाँ से 2 तार को हम बाहर निकाल लेते हैं। पहले देख सकते हैं
बहुत जल्द जो है आपको बोर्ड बनाने, आप जो है बहुत जल्द बोर्ड बनाने के लिए सीख जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ तार को जो है घुसा के टाइट कर रहे हैं, और यहाँ भी एक तार को घुसा के टाइट कर लेते हैं। वीडियो शायद अधिक लंबा भी नहीं होगा, बस कुछ ही मिनटों का होगा। तार थोड़ा मोटा है इसलिए जो जल्दी घुस नहीं रहा है। देख सकते हैं ये तार और ये तार मेरा जो है डायरेक्ट बड़े बोर्ड से आएंगे। ये दोनों तार देख सकते हैं, ये दोनों तार जो है मेरा डायरेक्ट बड़े बोर्ड से आएंगे। और ये इसका जो है कनेक्शन है, इसको इसलिए निकालेंगे, ये जो बटन बीच वाला बटन जो है एक मेरा बचा हुआ था, देख सकते हैं बीच वाला बटन जो है मेरा एक बचा हुआ है। इसके लिए हम यहाँ से एक तार को बाहर निकालेंगे, क्योंकि उसमें जो है हम लाइट या पंखा कुछ भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए बीच वाले बटन में हम एक तार को जोड़ लेते हैं। जो मेरा बोर्ड बन के तैयार हो गया, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग बटन के, देख बटन, ये जो मेरा तीन स्विच या बटन है तीनों बटन के यानी तीनों बटन के ऊपर वाले साइड से, ये जो मेरा स्विच बटन है इसके ऊपर वाले साइड से, यहाँ से एक तार को हम ये वाला तार बाहर निकालें। उसके बाद बटन के नीचे वाले साइड से, जैसे कि हम बटन को नीचे करेंगे तो इसमें करंट आएगा, तो इसके लिए बटन के हम नीचे वाले साइड से एक तार को हम यहाँ लेके आए। सेम उसी तरह इस बटन का भी हम किए, यहाँ से यहाँ तक हम एक तार निकालें। जैसे कि ये तार हम जो है डायरेक्ट ब्रे बोर्ड में जोड़ दिए, उसके बाद जो है इसको भी जोड़ दिए, तो इस तार का जो लाइन है देख सकते हैं, ये तीनों बटन पे आ गया, तो उसके बाद जैसे हम इस बटन ऐसे रहने से तो ऑफ होगा, इसको जैसे नीचे करेंगे तो इसका लाइन नीचे आएगा, नीचे से डायरेक्ट यहाँ 5 पिन में आएगा, यानी एक फेस का लाइन जो है मेरा यहाँ तक आ जाएगा बटन को ऑन करने से। दूसरे फेस का लाइन ये जो मेरा डायरेक्ट रहेगा बड़े बोर्ड से, ये जो तार है ये वायर है जो है मेरा डायरेक्ट रहेगा। जैसे ही हम ये दोनों तार को हम डायरेक्ट बड़े बोर्डों में जड़ेंगे, देख सकते हैं बड़े बोर्डों में जड़ेंगे तभी भाई ये दोनों तार जो है हमको बड़े बोर्डों में जुड़ना है। और ये जो है ये लाइट या पंखा के लिए, ये जो है लाइट या पंखा के लिए कनेक्शन है। जैसे ही बटन को नीचे करेंगे तो ये जो है यहाँ आ जाएगा। अगर अगर बटन रहता तो एक तार हम नीचे से लेते फिर एक तार यहाँ से लेते तो उसका भी कनेक्शन हो जाता है। इसकी जगह और भी एक अगर बटन रहता तो एक तार यहाँ से लेते और एक तार यहाँ से निकालते तो इसका भी कनेक्शन होता, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं हल्दिया वाला तार ये जो डायरेक्ट यहाँ आ गया है, सेम कनेक्शन है इसी तरह से। इसको जो है हम बांध लेते हैं, देख सकते हैं जो मेरा लाइट पंखा में जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए हम बोर्ड बनाते हैं ताकि आप लोग देखने में पसंद आए, आप लोग को देखने में पसंद आए और मेरा वीडियो और भी चले। थैंक यू यार।